आज ही भाइयों फाइनली आप सबके चाहते हिट मशीन खेसारी लाल यादव आजकल एक के बाद एक सॉन्ग अपने फैंस के बीच में लेकर हाजिर रहते हैं। आजकल इनके सॉन्ग को लेकर फैंस के अंदर एक्साइटमेंट भी बना रहता है। यही वजह रही है इनका कोई भी सॉन्ग रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगती है। बता दूं कि जिस सॉन्ग को सुनने के लिए अभी अभी आपने क्लिक किया हुआ है, इस सॉन्ग के टीजर अभी कल ही के डेट पर रिलीज किया गया था। टीजर को देखने के बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड दिखने लगे हैं। फाइनली सॉन्ग आज के डेट पर यानी कि 10 मार्च को सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। बता दें दोस्तों अभी यह सॉन्ग उतना खास परफॉर्म तो नहीं कर रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है यह सॉन्ग कुछ समय के बाद काफी बढ़िया हिट साबित हो सकती है। आप लोगों ने इस सॉन्ग को अगर सुने होंगे तो आप लोगों को क्या लगता है यह सॉन्ग कितनी बड़ी हिट साबित हो सकती है? आप सबको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। असल में आप लोगों को बता दूं नीलकमल सिंह के फैंस को इनका भी बहुत ही जल्द कुछ होली का सॉन्ग बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा। एक सॉन्ग नीलकमल सिंह का भी अभी पिछले दिनों रिलीज किया गया था, जिस सॉन्ग के बोल थे देवरा होली में मले साबुन। शायद इस सॉन्ग को आप लोग सुने होंगे। सॉन्ग को वैसे ठीक ठाक फैंस सपोर्ट किए हुए हैं। ये सॉन्ग अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो ये सॉन्ग को यूट्यूब पर अगर आप लोग सर्च करते हो तो आप लोगों को आसानी से ये सॉन्ग मिल जाएगी। अभी के टाइम पर ये सॉन्ग काफी सारे चैनलों पर अवेलेबल है। वैसे अगर आप लोगों ने इस सॉन्ग को ऑलरेडी सुन रखा है तो आप लोगों को कैसी लगी ये सॉन्ग अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दरअसल मैं आप लोगों को बताते चलूं, रोमिंग में शरीर बटू में आप लोगों को खेसारी लाल के अलावा इसमें करिश्मा कक्कर भी देखने को मिलेंगे। फीमेल वॉइस में करिश्मा कक्कर इस सॉन्ग में गाई हुई है, वही करिश्मा कक्कर जिनका सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल हुआ था पियवा दुलारे सॉन्ग को। इस सॉन्ग को आप लोग जरूर सुने होंगे। वैसे तो इस सॉन्ग को राइट किए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी जाने माने लेखक कृष्णा बेदर्दी ने। कृष्णा बेदर्दी दोस्तों जब भी किसी सॉन्ग को राइट करते हैं तो वो सॉन्ग और भी बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद बढ़ जाती है। अब यह सॉन्ग कितना ज्यादा ट्रेंड करेगी इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल सॉन्ग को अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो इस सॉन्ग के ऑडियो वीडियो बेस्ट भोजपुरी चैनल पर इस सॉन्ग के ऑडियो वीडियो रिलीज किया गया है, जहां पर जाकर आप लोग इस सॉन्ग के ऑडियो वीडियो सॉन्ग बड़े आसानी से आप लोग सुन सकते हो। इस वीडियो को देखने से पहले ही अगर आपने इस सॉन्ग को ऑलरेडी सुन रखा है तो आप लोगों को कैसी लगी यह सॉन्ग अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वैसे जाने से पहले आप लोग बताइएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग कौन से सिंगर का सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करते हो, कमेंट सेक्शन में सिंगर का नाम लिखना ना भूलें। फिलहाल दोस्तों जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा, यह छोटी सी भोजपुरी सॉन्ग अपडेट से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे आप लोगों की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी करते जाइएगा। आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि भाई लोग ये नया चैनल है, सेकेंड चैनल कुछ प्रॉब्लम के कारण डिलीट हो गया था। इस चैनल को ग्रोथ करने में भाई लोग काफी ज्यादा समय लग सकता है। अगर आप सबका सपोर्ट आ तो बहुत ही जल्द हम सबका ये चैनल ग्रोथ हो सकता है। फिलहाल चलिए भाई लोग चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से फिर से किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।